हरीश भाई ने कुछ लाइनें सुनाई थी स्टार्टिंग में, शायर और शायरी में बहुत फर्स्ट जब उसने, मैं बस उनसे दो लाइनें कहूंगा कि यूं ही नहीं आता जिंदगी में शायरी का हुनर, यूं ही नहीं आता जिंदगी में शायरी का हुनर, हम इसके लिए जिंदगी से अपनी खुशियों का सौदा करते हैं। अपनी शायरी से स्टार्ट करता हूँ कि जिंदगी के राज कई हैं, जिंदगी के साज कई हैं, जिंदगी के राज कई हैं, जिंदगी के साज कई हैं, ध्यान से सुनो इन दिल की धड़कनों को, इन खामोशियों में भी आवाज कई है। लास्ट परफॉर्मेंस है, हमको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक नई पोएम है एंड अच्छी बात यह है कि ये पहली बार किसी ओपन माइक में जा रही है, आपको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पोएम का नाम है यादें, और शुरू करता हूँ कि हमारे बातों को खुद में समेटती है यादें, हमारी बातों को खुद में समेटती है यादें, हमारे रिश्तों को आपस में लपेटती है यादें, यूं तो हजार तरीके हैं दुखी होने के, पर फिर भी खुशी की छटा बिखेरती है यादें, यादें लोगों को बांधती है, यादें अहंकार की एक दीवार फांदती है, आजकल कोशिश है रिश्तों को तोड़ने की, पर यादें मतलब की खिड़कियां लांघती है, किसी के गली से गुजरने की याद दिलाती है यादें, उसके लिए घंटों रुकने की आस बढ़ाती है यादें, जिसको चाहो वो हर बार मिल जाएंगे जरूरी नहीं, जिसको चाहो वो हर बार मिल जाएंगे जरूरी नहीं, उसके शायद वापस आने के पल को खास बनाती है यादें, माँ के दुलार को अजीज बनाती है यादें, पापा के प्यार को खुशनसीब बनाती है यादें, मुमकिन नहीं होती हर किसी के लिए ये बात, दोनों के जिंदगी में होने को लजीज बनाती है यादें, किसी याद की तरह मर जाना याद दिलाती है यादें, उसके साथ हर तरह की बदमाशी करना याद दिलाती है यादें, यूं तो दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, पर समय के साथ कुछ दोस्त बदल जाते हैं यह याद दिलाती है। और ये पोएम भी इसे कुछ लोगों ने सुनी हुई है और मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट लिखी थी और अभी तक इस पोएम ने अराउंड 20-25 बार प्रेजेंट हो चुकी है, जिसमें से 10 इवेंट्स थे, 10 उसने जीते भी हैं, बाकी ओपन माइक्स थे। तो कुछ वो आप लोगों को अच्छी लगे तो पोएम का कुछ पोएम का नाम है हो तुम। तो उससे पहले की कुछ शायरी सुना देता हूँ कि किसी धड़कते हुए वीरान का गुलजार हो तुम, किसी धड़कते हुए वीरान का गुलजार हो तुम, कभी लतीफ कभी दास्तान। पोएम के दो पार्ट हैं, जिसमें एक लड़का अपनी बात कहता है, जिसमें लड़की अपनी बात कहती है। तो पहले लड़का ये कहता है कि किसी याद की रुसवाई हो तुम, कभी अपनी कभी बनाई हो तुम, किसी याद की रुसवाई हो तुम, कभी अपनी कभी बनाई हो तुम, दिल में जो बचती है वो शहनाई हो तुम, या शायद मेरे यादों की परछाई हो तुम, फूलों के खिलने पर जो आए वो मुस्कान हो तुम, मेरा मन तो कहता है कि बड़ी नादान हो तुम, फूलों के खिलने पर जो आए वो मुस्कान हो तुम, मेरा मन तो कहता है कि बड़ी नादान हो तुम, कोई माने या ना माने मेरा जहां हो तुम, या शायद मेरे रातों का गुलिस्तान, किसी भटके हुए की राह हो तुम, किसी थकी काली रात की सियाह हो तुम, किसी भटके हुए की राह हो तुम, किसी थकी काली रात की सियाह हो तुम, किसी टूटे हुए दिल की आह हो तुम, या मेरे इश्क का सजला हो तुम, किसी के जीवन के गीतों की झनकार हो तुम, किसी के जीवन के गीतों की झनकार हो तुम, किसी के सपनों का संसार हो तुम, किसी के ख्वाबों का साकार हो तुम, किसी के इश्क का सार हो तुम, एक झिलमिल सितारों की रात हो तुम, एक झिलमिल सितारों की रात हो तुम, जो सुबह तक ना आ पाए वो बात हो तुम, जो मिलकर भी ना मिले वो हाथ हो तुम, जो हाथों में आकर भी छूट गया वो साथ हो तुम।
खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना, तो मेरे इश्क की खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना, बस मेरी वफा का ना तू बोल ढूंढ लेना, और तुम्हारी खातिर खुद को भी तुम बनाया हमने, और तुम्हारी खातिर खुद को भी तुम बनाया हमने, बस किसी और के दिल के दरवाजे ना ढूंढ लेना। और माना कि इश्क में हम एक दूसरे के ना हो पाए, और माना कि इश्क में हम एक दूसरे के ना हो पाए, पर आज भी ये दिल इबादत तो तुम्हारी ही करने को कहता है, और इस पाक मोहब्बत को ना समझना मखमल की तरह, ये एक चाबास की तरह इस दुनिया का हर एक सबल सहता है। और वैसे भी प्यार में हर एक दिल मजबूर है, और वैसे भी प्यार में हर एक दिल मजबूर है, शायद लगता है किस्मत को यही एक फैसला मंजूर है, ये मन तो हर एक पल तेरे ही गम में चूर है, और यही इस दुनिया को दिखाएगा कि मेरे इश्क का क्या मूल। लड़की कहती है कि सफर से लौटना तो मेरे पास आना, सफर से लौटना तो मेरे पास आना, ये सोच मुझे मरने न देगी, जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो उस होप में मैं शायद जिंदा रहूंगा। सफर से लौटना तो मेरे पास आना, ये सोच मुझे मरने न देगी, और जब तक ना आओगे ये सावन ना आएगा, और जब तक ना आओगे ये सावन ना आएगा, और तो और पतझड़ के पत्तों को भी झड़ने न देगी। और आखिरी स्टैंजा है कि तुम्हें जिस इश्क की तलाश है शायद वो मेरे पास है, तुम्हें जिस इश्क की तलाश है शायद वो मेरे पास है, जिस सूरत में तुम हर मिटने को तैयार हो तो शायद मेरा हुस्न एक खास है, और इस तरह इबादत का जज्बा है तेरी खाते कि तेरे बिना ये जिंदगी एक जिंदा लाश। थैंक यू। और अगर आपको पोएट्री पसंद आई तो आप फेसबुक पे कॉल करके पोएट्री नाम के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, कुछ अपडेट्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। थैंक यू।